जयपुर एयरपोर्ट और दो कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद विभिन्न एजेंसियों ने एयरपोर्ट और कॉलेजों में सर्च अभियान चलाकर तलाशी ली, जिसमें कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि इस तरह की धमकी साइबर अपराधी देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस और विभिन्न एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क है। पहले भी हमारे स्कूलों को बम से उड़ाने के लिए एक मेल आया था। अब पारिक कॉलेज के रात के 2 बजे कोई मेल आया, उन्होंने 11 बजे खोला, पुलिस को सूचना मिली। हमारी पुलिस मुस्तैद है, ना एयरपोर्ट को कुछ होगा, ना कॉलेज को कुछ होगा, ना पहले स्कूलों को कुछ हुआ। राजस्थान की पुलिस पूरी मुस्तैदी से पूरी सुरक्षा में खड़ी हुई है। लेकिन ये बात ठीक है कि बार बार मेल करके या फॉल्स कॉल करके लोगों को धमकियां देने का और इनका जिस तरह से काम चल रहा है, इस पर राजस्थान पुलिस ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पहले भी हैकाथॉन 01 किया था, जिसमें 27 प्रदेशों के लोगों को, एक्सपर्ट्स को बुला करके यहाँ एक मैराथन बैठक की और बहुत बड़ा एक मैकेनिज्म बनाया है। साइबर अपराध को रोकने के लिए हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं और साइबर अपराधी जो भी हैं उनके खिलाफ हम ठोस कार्रवाई भी कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे मेवात में साइबर ठगी का काम लोग करते थे, उस पर भी हमारे भरतपुर आईजी और पूरी उनकी टीम ने और हमारे राजस्थान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर पूरे प्रदेश में साइबर अपराध या अन्य अपराध कोई भी हो, अपराधों के खिलाफ सख्त अभियान चल रहा है। अपराध मुक्त राजस्थान बनाने का हमारा संकल्प है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, एक मेल प्राप्त हुआ था एयरपोर्ट पे, जिसकी सूचना हमें एयरपोर्ट के जो अधिकारी उनके द्वारा दी गई। उसमें ये बताया गया था कि वहाँ पे एक्सप्लोसिव रखा हुआ है। इस तरह का मेल जो है प्राप्त हुआ था वहाँ पे। हमारी टीम और जो एयरपोर्ट की टीम है उनके द्वारा प्रॉपर वहाँ पे चेकिंग की गई, कुछ भी संदिग्ध अब तक वहाँ पर नहीं मिला है। और इस मेल के बारे में हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं तकनीकी माध्यम से, और जो हमारी साइबर टीम है वो सब लोग इस मेल को के बारे में कहाँ से आया, किस तरह से आया है, वो सब करने के लिए अनुसंधान चल रहा है।